Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 में से 14 अध्यक्ष महोदय, जानकारी आप पता कीजिए। एक मिनट, अभी तक नहीं मिला है। 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो आया होगा। अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए, इस सबको माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं, आप अध्यक्ष लीजिए, इस सबको अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए, अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी, इस तरह का डायरेक्शन होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला, व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा, इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, किसी भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो या फिर कोई भी ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेता जो एक अच्छे पद पर होते हैं, एक अच्छे मंत्री होते हैं, और जब मंत्री होते हैं तो उनका अस्तित्व क्या होता है, उनका पावर क्या होता है, ये बखूबी आप सभी को पता होगा। पढ़े लिखे ऑफिसर लोगों को सरेआम सड़क पर लताड़ते नजर आते हैं, तो पूरे बिहार की जिम्मेदारी हो या फिर देश की जिम्मेदारी हो, एक मिनिस्टर के रूप में उस काम को निभाना पड़ता है और उस काम को पूरी तरीके से जानकारी जो आपके ऊपर बैठा है उसको आपको देने पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बिहार में सदन चल रहा है, उस सदन के दौरान जो है लगातार कई सारे ऐसे बयान सामने आते हैं जो कि पूरा का पूरा राजनीतिक और अपने विचार को वो जिस तरीके से रखते हैं उससे ये दिखता है कि कितनी हमारे देश में नीच लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत करने लगते हैं जिससे हमारे समाज पर एक ऐसा असर पड़ता है कि देश के अलावा, समाज के अलावा पूरे बिहार में ऐसी छवि लोगों के बीच पहुंचती है। ऐसा ही माननीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार सरकार के मंत्री हैं, जिनका नाम है सम्राट चौधरी। जी हाँ, वही सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी के पुत्र साहब हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। और ऑब्वियसली मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा में पूछे गए सवालों का जवाब भी देना पड़ता है और जो भी चीजें होती है वो कहीं ना कहीं स्पीकर को सौंपना पड़ता है, उसके उनके पास रिपोर्ट भी भेजना पड़ता है। बात करें तो जिस तरीके से स्पीकर साहब ने मंत्री जी को कहा कि आपने जो कल 16 सवाल थे उसमें आपने नहीं भेजा और उसमें से आपने 11 भेजा, 69% भेजा है। उन्होंने, मंत्री जी ने कहते रहे कि हमने 14 भेजा है और उन्होंने कहा कि आपका 11 आया है, 69% आया है, तो उन्होंने खुलेआम तौर पर अंगुली दिखाते हुए उन विधानसभा अध्यक्ष साहब को उन्होंने कहा कि व्याकुल मत हुई है। इस भरे लहजे को देखकर विधानसभा अध्यक्ष ने इसको टोकने की कोशिश की और बताया कि इस वर्ड को वापस लीजिए, लेकिन उस महाशय ने वापस उसको नहीं लिया और सभा जो वहां पे कार्यभार चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश के, हमारे राज्य के ऐसे मंत्री हैं जो अपनी गरिमा को भूल जाते हैं, जो अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और जो अपने लेवल के, बड़े लेवल जो आपके उच्च लेवल पर बैठे हुए हैं उसको आप अंगुली दिखाकर सरेआम जो है विधानसभा में इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोग अगर हमारे बिहार की राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में रहते हैं तो हमारा देश जो है बर्बाद हो जाएगा और वही लोग हैं जो कि पूरे देश को और पूरे बिहार को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अपनी अकड़ के सामने जो बेहतर काम करता है उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं, उसको हड़काने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं और ये सारी चीजें जो है हमेशा आती रहती है। एक महाशय जिस शराब को लेकर जिस तरीके से मामला सामने आ रहा था, ऐसे कई सारे मंत्री हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं लेकिन सरकार जो है उन पर एक्शन लेने में विफल हो जाती है क्योंकि उन्हीं के वो चट्टे पट्टे हैं और उन्हीं के चट्टे पट्टे जब हैं तो कहीं ना कहीं उनको तो आधार मिलेगा और उनको संरक्षण मिलेगा। बताइए,
विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे बातें बोलना एक मंत्री को शोभा देता है क्या? क्या ऐसे लोग बनेंगे हमारे देश में मंत्री, तो उस राज्य का क्या होगा, उनके साथ जुड़े लोगों का क्या होगा, और उस प्रकार की जनता जो पढ़ी लिखी उनसे बहस करेगी उनका क्या होगा? ऐसे समाज आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। बाकी शकुनी चौधरी के जो पुत्र हैं यानी कि सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने माफी मांग ली है, और माफी किस सिचुएशन में मांगी गई है वो उनको भी पता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये शोभा देता है या आप किसी के सामने इस प्रकार की चीजें बोले, किसी भी सामने बड़े आपके पद के सामने आसीन के सामने इस प्रकार की वार्तालाप करें जिससे कि हमारे समाज में एक गलत नेगेटिविटी जाए। बाकी इनके विचार को आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या ऐसे मंत्रियों को हमारे बिहार सरकार में मंत्रालय का पद देना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को जेल की सजा कटवानी चाहिए, या फिर निष्कासित कर उनके घर पर भेज देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.